कुछ नया सोचा है, होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। मैंने ये सोचा है कि मेरा वीडियो पूरा देखने के बाद आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते तो हो, लेकिन अब मैं उन्हीं कमेंट में से 5 कमेंट पर डे उठाऊंगी और अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो 5 कमेंट आपके नाम के साथ पढ़ूंगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है या मेरे वीडियो के रिलेटिव आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट में से 5 कमेंट उठाऊंगी और अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट का आंसर भी दूंगी और आपके नाम लेके वो कमेंट पढ़ूंगी भी। तो ठीक है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी ब्यूटी और मैं हूँ आपकी फ्रेंड। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप डेली मेकअप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डेली मेकअप में अगर हम बहुत सारा मेकअप करते हैं तो हमारी स्किन की बैंड बच जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ी चीज़ें आपको बताऊँगी जो कि आप डेली यूज कर सकती हैं और उससे आपकी स्किन को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट। मैं जस्ट अभी हेयर वॉश करके आई हूँ और मैंने अभी फेस पे कुछ नहीं लगाया है, फेस वॉश से सिर्फ फेस को वॉश किया है। और चलिए, मैं अब डेली मेकअप कैसे करती हूँ वही मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो गाइस, अभी मेकअप गाइस मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया है, तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे लगाती हूँ एलोवेरा जेल। तो आप कोई सा भी एलोवेरा जेल ले लीजिए अपनी पसंद का। तो मैं एलोवेरा जेल को अपने फेस पे लगाती हूँ। गाइस, आप एलोवेरा जेल को अच्छी तरीके से अपने फेस पे लगा लीजिए और इसे कम से कम 10 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। 10 सेकंड तक आप अपने फेस पे कुछ मत लगाइएगा, 10 सेकंड तक इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए सूखने के लिए और 10 सेकंड के बाद आप लगाइए। उसके बाद मैं लगाती हूँ माई फेवरेट होम मेड बीबी क्रीम। ये बीबी क्रीम भी थोड़ी सी बची हुई है, अभी मैं न्यू बनाऊंगी। और अगर आपको जानना है कि होम मेड बीबी क्रीम कैसी बनाई जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। और मुझे याद है, मुझे सुलोचना जी ने बोला था कि होम मेड बीबी क्रीम बताना कैसे बनाते हैं, तो मैं बताऊँगी, बीबी क्रीम के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। तो अभी मैं इसे अपने फेस पर लगाती हूँ। गाइस, इस बीबी क्रीम में मैंने अपनी पसंद की सारी वो चीज़ें मिक्स की है और सनस्क्रीन भी मिक्स किया है, तो इसलिए मैं अभी घर पर ही हूँ तो एक्स्ट्रा सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ। लेकिन अगर आपको घर से बाहर जाना है तो प्लीज़ बीबी क्रीम को अप्लाई करने से पहले आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। बिना सनस्क्रीन लगाए हुए आप घर से बाहर ना निकलें। बट मैं अभी घर पर ही हूँ तो इसलिए मैंने सनस्क्रीन को अवॉइड किया है, सनस्क्रीन अभी मैंने नहीं लगाया है। और बस हो गया। इसके बाद मैं अपने फेस पे डेली मेकअप में कुछ भी नहीं लगाती हूँ और इसके बाद हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ ये छोटू सा काजल जो कि है ब्लू हेवन का। तो अब ये छोटू सा काजल मैं अपनी आईज पे लगाऊंगी। डन, ये हो गया। और अब मैं लगाती हूँ लिपस्टिक। बट हाँ दोस्तों, लिपस्टिक पे लगाने से, लिपस्टिक अप्लाई करने से आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल आप ले लीजिए और उसे अपने लिप्स पे लगा के इस
तरीके से आप पहले एलोवेरा जेल लगा लीजिए अपनी लिपस्टिक पे और उसे 5 या 10 सेकंड के लिए इसे ऐसे छोड़ दीजिए अपने लिप्स पे लगा के। तब तक मैं लगा लेती हूँ अपनी छोटी सी बिंदी। डन। और बस अभी 10 सेकंड हो गया है और 10 सेकंड के बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। मैं यहाँ पे ये लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, एक्चुअली ये लिपस्टिक नहीं है, चिपस्टिक है। और ये चिपस्टिक जो है कुछ ग्रीन कलर की होती है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है और इसमें काफ़ी मॉइस्चर भी होता है। तो मैं डेली यूज़ पे इसे ही यूज़ करती हूँ। जब मुझे बाहर कहीं जाना होता है तो मैं यूज़ करती हूँ दूसरी लिपस्टिक, बट मैं डेली यूज़ पे इसे ही अप्लाई करती हूँ और मुझे ये काफ़ी पसंद है। ये पिंक सेट देती है आप देख सकते हो और बहुत अच्छा लगता है ये डेली पे, बहुत डार्क नहीं लगता ये तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बस हो गया। एंड अब मैं बनाती हूँ अपनी बाल। लिया है तो अगर आप भी मैरिड हैं तो आप भी सिंदूर लगा लीजिए। और हमारा डेली मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस मैं डेली मेकअप ऐसे ही करती हूँ। ये था मेरा आज का वीडियो। होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी फैमिली का पार्ट बन जाइए, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाइए। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट करती हूँ गाइस। मैं थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उसके बगल में जो छोटी सी घंटी आएगी ना उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।